गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। मैम थोड़ा सा धड़कने से तेज़ बताते हैं सर। मेरा ये जारत की लाल वाला वो 209 रैंक आया है और मैंने क्वालिफाई आया सर। मेरा थर्ड अटेम्प्ट, ओके उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया है। और मैम इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सर मैं उन्हीं बच्चों में से आती थी जिन्हें आप कहते थे फर्जी डिग्री वालों, तुम यहीं से ही रह जाओगे। सर कैसी कैसी बातें करते हो बच्चों नहीं ऑब्वियस, हरकतें ऐसी रहेंगी तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी। साथ? नहीं सर, मैंने कभी बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, साइलेंट रहना नहीं हूँ, क्योंकि जैसे आप कहते थे ना कुछ भी बोलते मैं डर जाती थी। मैंने कहा नहीं कुछ भी कहना, सुन एक्चुअली क्या होता है ना लो कि खामोश रहो, पढ़ लो आराम से। मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा ये सीखा है, बेइज्जती इज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल थिंग। जब हमारी बेइज्जती होती है ना तो हमारे अंदर आग लग जाती है उस चीज को खत्म करने के लिए। तो अक्सर मैं कभी कभी कुछ लोगों को मैम वो करता हूँ। सर, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इस ऐसी जगह से आती हूँ, मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा एरिया है, इधर कोई जानता भी नहीं कि ये नेट वगैरह क्या होता है, तो मैम वही हुआ था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा ही तो था, देखो फाइनली मैम हो गया। मैम आपको बता दूंगा एकदम। यस मैम। अच्छा सर, आपको याद आ गया होगा कि रेड क्वीन से पूरे सेशन में जो है इन्होंने अपना नाम रेड क्वीन रखा हुआ था, हाइपोथेसिस। पूरे सेशन में रेड क्वीन से ही जुड़ती रही। यस मैम, मुझे अब 3 साल हो जाता है जनवरी में मैम, जब वो डायनासोर वाले बच्चे हैं, फिर कोरोना टाइम में भी रहे हैं, स्लो स्लो चल रहे थे। तो मैम मैं ये कहना चाहूंगी, वो तो एक मजाक की बात थी, तो इस एरिया से आती थी, मतलब कि हर कोई था ना, तो मैं क्लास में भी जाती थी तो मुझे ऐसे बेइज्जत किया जाता था। अरे ये इसका बस का कुछ नहीं है, इसके बस का कुछ नहीं है। टीचर्स लोग भी मैम ये बोलते थे कि अरे अरे ये क्या पूछ रही है, तेरे बस का है क्या, तेरे बस का है क्या, तो कुछ नहीं कर पाए मैम। मतलब कि मेरा ठीक था कि मैं वो ना तो इतने उसमें आती थी, कितनी होशियार थी, ना इतना डाउन थी, बट ठीक था मैम। और जब मैं आपको बताना चाहूंगी मैम, जब मैंने ज्वाइन किया था तब आपने वो वाला टॉपिक पढ़ाया था, टॉप डाउन इफेक्ट है ना मैम, वो पढ़ाया था। तब मैम मैं सर बात बताऊं तो जब आपने मुझे क्वेश्चन कराया तो मैं उसका हिंदी भी नहीं समझ पाई थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और मतलब कि क्या है उसमें। और मैम ये जर्नी मेरे लिए इतना टफ था कि मैंने एक एक टॉपिक को 50-50 मरतबा भी पढ़ाया, आप यकीन नहीं मानोगे। कि मतलब कि मैं भूल जाती थी, और ये रिकॉर्डिंग बार बार रिकॉर्डिंग देखना, बार बार रिकॉर्डिंग देखना। और मेरी फैमिली में ऐसा भी कोई नहीं था, तो खैर फाइनेंशियली इशू भी ठीक हो गया उस वक्त, ये भी नहीं था मैम, जो मेरे पास फोन वगैरह कुछ नहीं था। और उस वक्त मैम मेरे जो हाथ वगैरह थे फोन की वजह से, वो भी खराब हो चुके थे, और मतलब कि इनमें पेन होना शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ फैसिलिटी नहीं थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ आ गया, जब से इजारत क्लियर हुआ है मैम। और सर आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह ताला ने सर बहुत कुछ मेरा आपको दे दिया। बिल्कुल वैल्यू इतना बढ़ गया है, जब से क्लियर हुआ है ना मेरा, इधर कोई बच्चा नजर नहीं आता जिसका जेआरएफ क्लियर हुआ हो। मैम न्यूज पेपर में क्या, उधर फोटो लोग मुझे बुलाते हैं कि आप आओ यहाँ पर आओ, आपको गिफ्ट भी देंगे, हम लालच देते हैं। और मैम मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के उस पे भी रख दिया गया है, जॉब पे रख दिया गया है वहां पर। और मैम मतलब कि मेरी तो जिंदगी तब्दील हो गई, मैं सोच रही थी मैं ख्वाबों में चल रही हूँ, कि वही क्या वाला हुआ वो है मतलब मेरे साथ। सत्या की बात बदलती है वाला सिनारियो हो गया ना। यस मैम बिल्कुल। और ये सब मैम सर और मैम आपकी वजह से ही हुआ। तब से मैम मेरा मन था कि मैं आप दोनों से बात करूं, मगर एक वो होता है ना कि जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं उसकी अलग ही बात होती है, और एक मैम वो भी रहता है जुनून की, हाँ मैं करना है करना है। तो मैम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैम, ये जो भी कुछ हासिल किया है मैंने ये आप दोनों की वजह से किया, वरना ये तो मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं पाता, वरना ये कहते अरे ये क्या है, इसके बस का कुछ नहीं है।
और मैम मुझे एक काबिल बना दिया ना आप दोनों सच में, कि आज मुझे इतनी इज्जत से नवाजा जाता है और देखा जाता है रिश्तेदारी में। क्या वो कहते हैं अरे वो बुद्धू सी लड़की, वो इतनी होशियार निकली। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मैं भी अच्छा बन गया। सर क्या कह रहे हो आप? मैं बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मीटर डाउन करिए, बाकी लोगों के भी नंबर पीछे लगे हुए हैं। सर इतना सही बोलने का मौका दिया सर, 3 साल से भी इंतजार कर रही थी। इतने ठीक है, आप बोलिए बोलिए। में सर रुला दिया इसने तो। कोई कोई बात नहीं, मतलब एक्चुअली काफी लोग हैं ना, और हमारे पास टाइम लिमिटेशन है। अगर लास्ट में मौका मिलेगा तो हम आपसे फिर सुनेंगे ना। ठीक ओके, है मैम, थैंक यू कांग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू फॉर वेरी मच। नमस्कार। गीता हारे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा जे आर एफ हुआ है 192 रैंक के साथ, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने सारे यूनिट्स आपसे ही पढ़े थे सर, और मैम से सिर्फ दो बायो पढ़ा था। और सर आपके वो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं ना क्लास में, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता ना तो मैं वही लेक्चर देखती थी। मैंने ऐसे नोट करके देखा था कि फंडामेंटल में लेक्चर नंबर 19 में सर ने ये बोला है, बस उसको सुनना है और फिर से लग जाना है। सर मैं भी मुझे सॉरी सर, थैंक यू सर आपकी वजह से कॉन्ग्रेचुलेशंस। हुआ है। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी थैंक यू सर। लोगों को शो के लिए सर दरवाजा खोल दीजिए, वो 96 हो गए हैं, कुछ लोग दरवाजे से अंदर आना चाहते नहीं, जितने मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है मैं खोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इनविटेशन आता है तो मैं एक्सेप्ट कर ही लूँ। गोविंद शर्मा। हैं। हेलो सर। हेलो जी हेलो। सर एक्चुअली लाइव चला गया यहाँ पे अभी, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, थोड़ा डर लेंगे। ओके सर मोबाइल की लाइट बता रहे कैसी काम आ जाएगी? हैं, एक सेकंड सर ट्राई कर लेता हूँ। मोबाइल की ब्राइटनेस कंप्लीट कर लेंगे, आ जाएगा। आ देखिए, गया सर। हाँ आ गया ना। सर बहुत गंदा सवाल। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जो है मॉडलिंग के लिए बिल्कुल भी ऑडिशन नहीं रखे, आप बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हैं। सॉरी सर, मैंने आपसे तो कुछ पढ़ा नहीं था, मैंने सिर्फ मैम से पढ़ा था, 4 यूनिट पढ़े थे मैम से सिर्फ। सॉरी बोलने की और जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था, किडनी बची हुई होगी अभी। नहीं सर आपसे मॉल बायो पढ़ना था, लेकिन मैंने वॉटसन से ऑलरेडी पढ़ रखा था तो फिर मैंने पढ़ा नहीं। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस गोविंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और सर मेरा 41 रैंक आई है जेआरएफ में। ओके, अच्छा आप ही आगे के इंटरव्यू के लिए आगे बोला आगे। गया था, आई थिंक मेरे को। एक्चुअली अन अकेडमी ने थैंक्स मेरे को इंटरव्यू के लिए बोला था, बट मैंने डिनाई कर दिया, सर। क्योंकि मैं इंटरव्यू सेशन जो है वो बंद कर चुका हूँ। मैं अब कभी किसी का अच्छा इंटरव्यू नहीं लूंगा पर्सनली, ये मैंने ये डिसाइड किया हुआ है। तो मैंने उनको डिनाई, मैं लाइफ में अब कभी भी किसी को पर्सनली इंटरव्यू, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन इज बेटर, जो जिसको स्ट्रेटेजी जानना है सबकी इंडिविजुअल होती है, बट वो ऑल वट एवर हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। सर, अच्छा कि थैंक यू आपने सर, अपने काफी ऑल द कुछ वेरी बेस्ट यूनिट सर, थैंक अपने से पढ़ी है, दैट्स ग्रेट। यू मैम। चलिए ग्रेट। हिमांशी चलिए ठीक है कुमारी। सर, ओके थैंक यू। हेमप्रिया तिवारी। हेलो सर। हाँ जी हेलो। जी हेलो। हाँ है इंडिया। हेलो मैम, हाँ जी हेलो। गुड इवनिंग मैम। मैम सर मैं आसाम से बोल रही हूँ। गुड ओके इवनिंग। मैम, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, मतलब सीरियस थर्ड अटेम्प्ट है, और मेरा जेआरएफ अंडर यूजी से ही मतलब क्वालिफाई हुआ है, 133 रैंक। मैंने सर को जिस दिन मतलब वो परसेंटाइल दिया ना, तो रात के 11 बजे शायद इंस्टाग्राम में दिया था मैसेज, उन्होंने देखा नहीं कि पता नहीं रिप्लाई नहीं दिया। मुझे याद नहीं है क्या होगा आपने। सर अभी भी अभी भी होगा सर मैसेज, जिस दिन से रिजल्ट आया था फिर मैंने दिया था। ओके, आई विल चेक दैट एंड आई विल रिप्लाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यस कांग्रेचुलेशंस।
आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक भी हो रही है, एंड ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनअकैडमी पे मिस्टर वीरेन सिंह को। यूज करें रेफरल कोड वीरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। ओके, प्रमोशन हो गया। बड़ी बड़ी बच्चों को वापस लेके क्या करोगे? रिकॉर्डिंग में जाएगा मैम यूट्यूब पे। दूर की सोचिए थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग में जा रहा है वो, है ना? अब यहाँ पे भी ना शुरू हो गए। ओके, ईशाना। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। मेरा नाम निशाना है, मैं कलकत्ता से हूँ और इस बार मेरा जीआरई क्लियर हुआ है विद 133 रैंक। और आप दोनों को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी जो बात है आप दोनों की क्लासेस की कि एक पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब टॉपिक को छोड़ कर भी देख के थोड़ा मोटिवेशन होता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि एंड में वो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे, तो वो बहुत इस बार हेल्प हुआ आप दोनों की बातों से। सो थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इशरत परवीन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू मैम एंड सर, आप लोगों ने मेरे से 209 रैंक है। कांग्रेचुलेशंस मैम। आप लोग दोनों को मैं बोल रही हूँ, एमएससी पास आउट हो गई, इस साल मेरा एमएससी क्लियर कंप्लीट हुआ, लेकिन सर आज तक मेरा कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं हुआ था। आप दोनों से पढ़ के आज मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है। अच्छी बात है, बस मेरा इस बजाय हुआ है तो बहुत खुश हूँ मैम, आप दोनों से पढ़ के मेरा जैरिफ हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिंदगी में दो ही चीजें हमेशा क्लियर होती हैं, अनअकैडमी पे ज्योति मैम और पीने में स्प्राइट, जब भी यूज करें क्लियर है, तो ऑल द बेस्ट मैम। ऐसे एक्सप्रेशन मत दीजिए, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। आपको मुझे प्रमोट करना है तो सर अच्छे से प्रमोट कर दीजिए ना, ये कोई कैसा प्रमोशन हुआ जी। हाँ देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं अनअकैडमी पे ज्योति कुमारी मैम को, सी इज द टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। पढ़िए और क्रैक करिए CSIR को, यूज करिए रेफरल कोड ज्योति कुमारी फॉर 10% डिस्काउंट। ये कोड ना ज्योति कोड है सर। अच्छा ओके, ज्योति। हेलो। ओके हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम हाँ, लीव कर सकते हैं मैम, कपल बेटी का एग्जाम है मैम। बिल्कुल बिल्कुल लीव कर सकते हैं। हाँ ये आप। बाय सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू मैम। अहम प्रिया जो है कुछ नाराज है, आप दिख को मैंने नहीं निकाला था मैम, फिर से चली गई वो ऑटोमेटिकली जो है लीव हो गई थी। इशरत परवीन के बाद जयंत कुमार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। मैं गुड इवनिंग मैम सर, मैं ओडिशा से हूँ, मेरा इस बार जेआर क्लियर हुआ है, रैंक 140 आया है सर। जब एग्जाम खत्म हुआ मुझे लगा कि इस बार मैं ट्रांजिशन जोन में आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने डेप बायो नहीं पढ़ा था, फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी डेप बायो की, फिर जब रिजल्ट आया तो मेरा हो गया था, फिर अभी भी मैं डेप बायो पढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू सर, मैंने आपसे बहुत सारा लाइक 6 to 7 यूनिट आपसे पढ़े हैं, लेकिन इवोल्यूशन एंड जो था इकोलॉजी मैंने मैम से पढ़ा है, तो थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट जयंत। ओके नेक्स्ट झूमा मंडल मंडल, इनसे तो बात हो गई थी। हाँ बोलिए। मैं बंगाली में बोल सकती हूँ क्या? खूब भालो खूब भालो, थोड़ा थोड़ा स्पीड भी रखिएगा। हाँ बोलिए जी मैम। प्रथमे तो अनेक अनेक धन्यवाद আপনাদের জন্য মানে হয়েছে, আর মানে কি বলবো বুঝতে পারছি না, যাই হোক আমার র্যাঙ্ক হচ্ছে 99, আমি আপনাকে মেলও করেছিলাম, আর স্যার তো মানে মেসেঞ্জারে ফেসবুক মেসেঞ্জারে ইনফর্ম করেছিলাম, আর স্যারকে আমি আরেকটা জিনিস মনে করাতে চাই, যে স্যার আপনার মনে আছে কিনা আমি জানি না। आप ये बोल रही हैं कि आपने मैम को मेल करके इन्फॉर्म किया था और मेरे को मैसेज पे मैसेंजर पे इन्फॉर्म किया था, मैं सब समझ रहा हूँ, आई नो बंगाली, डोंट वरी। अभी वो आप मुझे याद दिला। अच्छा सर आपको याद है क्या आपके क्लास में कोई जमुना बाई था?
हाँ मुझे याद है। जी मेरा ही दोस्त लोग मेरे नाम का सरकार बना के दिया था। ओके और आपने बोला था आपके आपके नए सेटअप में मुझे जॉब देंगे, आप देंगे ना, मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया हाँ बिल्कुल देंगे, लेकिन इंटरव्यू के बाद। तो फिर आपको ही तैयारी करना पड़ेगा। हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट। जी, अनेक अनेक धन्यवाद सर, यही कांग्रेचुलेशंस टिकट आई आवाज ठीक है। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। एंड ऑल द वे टू कंचन दैट। साहू। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं जेआरएफ क्वालिफाई की हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 46। और मैं मैम और सर दोनों को बताई थी सर, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे श्रीराज सर के कोई एक और हेड हो चुके हैं, उनको भी थोड़ा लाया जाए क्योंकि क्या हो गया, कौन है वे? श्रीराज वो तो वो ऐड जितने लोग भी ऐड। जा रहे, वो भी जा रहे क्वालिफाई कर चुके हैं सर, वो हाँ हेलो सर, 2020 हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी में। हाँ यस तो सर, मैंने आपके बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, बट एक लेक्चर था मोटिवेशन वाले, ठीक है, एग्जाम के 2 मंथ पहले आपने दिया था लाइव सेशन, याद होगा। तो सर उसमें आपने कुछ बातें बोली थी जैसे सेल्फ बिलीव, देन आपने बोला था कि रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस, वो तो आपका हमेशा रहता है, लेकिन उस टाइम जो आपने बोला था ना कि खुद पे यकीन करना, तो उस दिन से मैंने जो खुद पे यकीन किया है ना वो आज तक नहीं गया है। और सर आपने जो बोला था कि खुद ये मैं एक्चुअली भूल जा रही हूँ क्या बोलते हैं सर, आपने उस दिन ये भी बोला था कि सोने से पहले या सुबह उठो और उस टाइम ये खुद को पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोलो, जैसे मैंने खुद को बोला कि मैं 130+ सिक्योर करूंगी, मैं 130+ मार्क्स लाई, मैंने खुद को बोला कि पार्ट सी में इतना लाना है, मैं पार्ट सी में उतना लाई, मैं पार्टी में इतना लाना है, पार्टी में उतना ही आया जितना मैंने सोचा था, और मैं लेकिन ये नहीं सोची थी कि टॉप 100 में आ जाऊंगी वो थोड़ा। लेकिन मैम और मैम डेप बायो और प्लांट फिजियो तो आपकी वजह से है, और बाकी तो मोटिवेशन और सेल्फ बिलीव सर की वजह से है, और शायद जेआरएफ मेरा इनकी वजह से भी है, जो शिराज है उनकी वजह से, इन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। और मुझे तो ताने भी मिलते थे कि शादी तेरा कैंसिल हो गया है, शादी का अब तो तुझे पता नहीं होने वाला, तो क्या डर खत्म हो गया है, तो मतलब धमकियां मिलती थी मुझे। तो मैम मतलब पीएचडी करने के लिए मैंने शादी भी तोड़वाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसके बाद मुझे मौका मिले ना मिले, तो मैंने बहुत कुछ किया है इसके लिए। और मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं टीचिंग पाठशाला से आपको देख रही हूँ, और वीरेन सर का तो वो 4-5 साल पहले वाला वीडियो भी मैं देखी थी, सर का तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ कि अगर सर ने जितना इम्प्रूव किया मुझे, मैं उसका 10% भी कर लूँ ना तो मेरे लिए बहुत है, मतलब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ सर से, बहुत ज्यादा, थैंक यू यहाँ सर। तक कि बीच में मैं डिप्रेस थी तो मैं सर को एक बार मैसेज भी की थी टेलीग्राम पे, बट सर खुद इतने परेशान है अपनी लाइफ में कि सर ने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो उसके बाद मैं डर के इंस्टाग्राम पे इस बार सर को बोली कि सर मेरा इतना परसेंटाइल आया है, तो फिर मैं सोची थी पता नहीं सर रिप्लाई देंगे भी या नहीं देंगे, बट सर ने दिया। और ऐसे तो बहुत कुछ बोलना था बट बोलना कितना ही रहने देती हूँ, बाकियों को भी बोलना बोलने का मौका मिले। ओके कांग्रेचुलेशंस कंचन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली उनकी स्ट्रेटेजी पूछिए, मैम उनकी स्ट्रेटेजी पूछिए, वो हर साल एलएस क्वालिफाई कर रहे हैं, हर साल बिना पढ़ के, वो भी मतलब दिन भर लैब में रहना फिर भी एलएस क्वालिफाई कर रहे हैं, और जेआरएफ ये सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई किए हैं, तो मुझे तो लगता है इनको अपनी स्ट्रेटेजी बतानी चाहिए। एक्चुअली मैम मेरा ऐसा स्ट्रेटजी है कि लाइक लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है विदाउट एनी हेल्प। जैसे हम जितना खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें उतनी क्लैरिटी मिलेगी, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो कहीं से हम देख सकते हैं,
अगर ये क्वेश्चन आधा घंटा लगे तो दे दो, क्योंकि हमारे पास टाइम है एग्जाम से पहले, तो हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो खुद से जब करते हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो मेरा बस यही है कि ठीक है एग्जाम क्वालिफाई करने का। और लाइक इस बार तो मैंने, पिछले बार मैंने एग्जाम दिया था एलएस के लिए, तब मैं एटलीस्ट वन डे बुक ओवरलुक किया था, तब मेरा एलएस में अराउंड 54 या 56 में रैंक था। इस बार लाइक लैब में था तो एक मिनट नहीं मिला मेरे को बुक तक छूने के लिए, फिर भी इस बार लाइक 121 या 122 रैंक है एलएस में। तो लाइक वही होता है, लाइक एक चीज अगर एक बार क्लियर हो जाए तो बार बार वो निकलनी पड़ती। तो मेरा वही है कि सबके लिए रिक्वेस्ट है कि लाइक ट्राई करो, हर जैसे गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आते, बट जो चीजें लगता है खुद से हो जाएंगी तो टाइम देकर खुद से सॉल्व करनी चाहिए। ओके, दैट्स अ नाइस थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे हमेशा काम करना चाहिए, जो आपने किया, एंड कांग्रेचुलेशन श्रीराज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू मैम। करिश्मा अग्रहरी। हेलो 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 करिश्मा जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, यस वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस यस यस, यू आर ऑल द बेस्ट। I am from Jaunpur, Royal Pradesh, ma'am, and I qualified JRF with 198 rank. It was my first attempt. Thank you for both of you, sir and ma'am. आप लोग की वजह से ही मेरा qualify हो पाया है। ये sarcastic क्यों बोल रही हैं आप? सर आपके निमोनिक का ट्रिक सर, मैम आपके explanation and notes बहुत अच्छे हैं। चलिए अच्छी बात है, congratulations करिश्मा, and all the best. All the best. थैंक यू सर। कोमल कुमारी ने, कोमल कुमारी सर आपका वॉइस इको क्यों हो रहा है? अभी ठीक हो जाएगा। हाँ बोलिए। गीता एंड डीएन भास्कर, आप लोगों ने अपने माइक टर्न ऑन कर रखे हैं, जितने लोग भी माइक टर्न ऑन कर रखे हैं प्लीज बंद कर लीजिए माइक, सो दैट कि जो इको या जो भी कोई नॉइज होता है वो ना हो। ओके ठीक है, हम कहाँ पे थे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, अभी तो हम की पे हैं। ओके कृति राजपूत, थैंक यू सो मच सर, फाइनली मेरा नंबर आ गया, सर नाउ ऑडिबल? हां यस यस। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते मैम, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा नेट ब्रेक हो गया है, और फैमिली में सब बहुत ज्यादा खुश हैं, और सब कुछ बस आप दोनों की वजह से है, इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की बातों से, बहुत ज्यादा मैम, मतलब बोलने के लिए वो कहते हैं ना, बोलने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन जो सामने आते हैं ना तब कुछ नहीं निकल पाता, और जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाया है, जितनी डेडिकेशन से पढ़ाया है मैम, उतना डेडिकेशन रियलिटी में अंदर आ गया है कि हाँ जब बोलोग इतना ज्यादा मेहनत करें हमारे साथ तो हम खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते, जब सर बोलते हैं हमेशा कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो अपने लिए तो कुछ कर लीजिए, तो सच में मैम जब मेरा पत्थरी वाला रह गया था तो घर में कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट खुद को अंदर से लग रहा था कि नहीं ऐसे कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता है, तो मैम उस टाइम मेरे बस 78 मार्क्स थे, लेकिन इस बार मैंने बहुत ज्यादा मन का नहीं करना है करना है करना है, तो बहुत ज्यादा किया, कोशिश किया, और लिटरली उम्मीद नहीं थी लेकिन सच में मैं तैयारत हो गया और सब बहुत खुश हैं, और मैम मैंने सारी जितनी यूनिट पढ़ाते हैं मैम तो पढ़ाती हूँ सब पढ़ा और बहुत कुछ सीखा, और मैम मैं कुछ बच्चों को अपने घर के आस पास जो हमको ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो वो ऐसे हैं कि दीदी आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करती हो, तो मैं बस ये बोलती हूँ कि जिन्होंने हमें पढ़ाया ना वो हमें इतना अच्छे एक्सप्लेन करते हैं कि बस वो आ गया है, इतना जितना भी हमको सीखा तो बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैम थैंक यू सो मच, हम अपने माँ बाप के लिए इतना एवरीथिंग लेके आ पाए बस आप दोनों की वजह से। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन कृतिका शर्मा। नेक्स्ट
आकांक्षा दुबे जी पूरा रजाई रजाई में सिर बैठ के इंतजार कर रही। कृतिका विजय वर्गीय। हेलो मैम एंड सर। हेलो माय सेल्फ कृतिका फ्रॉम एमपी। आई आरएफ विद एआर 123। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस कृतिका एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट मानसी गुप्ता। हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग मैम। इस बार मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 99। मैंने ये मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था। फैब में मैंने ट्राई किया था तो सिर्फ 76 मार्क्स थे, तो बहुत बुरा लगा था। फिर मैंने सोचा कि दोबारा ट्राई करें, तो आपने पहले मैंने सिर्फ 6 यूनिट टारगेट की थी जो कि आप पढ़ाते थे मैम। फिर मैंने सर को भी फॉलो किया, सर से बहुत हेल्प मिली। मतलब सर एक एक चीज को इतना अच्छे से समझाते हैं, एक मतलब हर टॉपिक को 2-3 बार और फिर लास्ट में जितना मतलब ओवरऑल कवर अप करते हैं वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर एंड मैम। थैंक्स अ लॉट। कांग्रेचुलेशंस मानसी। ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके नेक्स्ट मयूरी दास। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। यस नमस्ते मैम। सर आई हैव क्वालिफाइड टीआरएफ दिस टाइम विद 250 रैंक एंड आई वुड थैंक। कांग्रेचुलेशंस मयूरी। कुछ ऑडिबल कुछ आवाज पर फॉर योर गाइडेंस आई एम करंटली पर्सुइंग इट। थैंक यू। ओके ओके कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट मयूरी सर। नेक्स्ट मेघा मेहता। थैंक यू सो मच। मोनालिसा बेहरा। मृदुला अच्छा। हेलो सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। आई एम फ्रॉम ओडिशा। I have qualified JRF with rank 169. मैंने ऑन अकेडमी ज्वाइन किया था मैम को देखकर, और मैंने स्टार की इतनी बड़ी फैन हो गई कि दिन भर स्टार की क्लास देखती रहती हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पर सबको दिन भर स्टार करती भी रहती थी मेरे एमएससी के टाइम पे। मेरे दोस्तों से शेयर करते भी रहते हैं स्टार के नाम पे, और मैं आपके फोटो से इतना स्टेटस देती हूँ, वो बोलते हैं कि सर तुम्हारा स्टेटस देख नहीं रहे, तुम इतना क्यों दे रही हो। सर थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस सर। मेरा हार्ट बीट अब बहुत बढ़ चुका है, तो वो बोलने की हालत में भी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस मोनालिसा एंड ऑल द बेस्ट। आप कैसे हैंडल करते हो दो दो नाम एक ही पर्सन में, मोना भी है लिशा भी है, ठीक है। सर मेरे दोस्त से बोलते हैं, मेरा ओडिया में ओडिया हूँ ना, तो मोना मीन्स मेरा नाम। Okay. तो बोलते हैं मोनालिसा नहीं तोनालिसा, ऐसे मेरा नाम लिसा नहीं तेरा नाम लिसा, ऐसे बोलते हैं। ओके ग्रेट। कांग्रेचुलेशंस। हाँ जी मेघा कुछ बोल। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेघा। हेलो मैम, मेरा एलएस क्वालिफाई हुआ है बी रैंक 79 एंड आई एम वेरी वेरी very 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 for this मैम। और मैं काफी खुश हूँ, मेरे घर में मेरे दो बच्चे हैं, पेरेंट काफी मैम खुश है। एक्चुअली बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है, मैं काफी टाइम से मैम ट्राई कर रही थी, बट दिस टाइम आई हैव क्वालिफाइड, बट आई कांट बिलीव, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को ये था कि अगर इस बार मैम मेरा नहीं हो पाया देन आई विल नॉट ट्राई अगेन एंड अगेन, बट थैंक गॉड एंड मैम आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। ओके अपना कुकरा तो दिखाइए, ऐसे ही हम लोग लैपटॉप और कैमरा से बात करते रहते हैं। कांग्रेचुलेशंस मेघा। तो मुद्दा भी दिखाना चाहिए ना सर, है ना? ठीक है देख लीजिए। किस किस को हमने पढ़ाया, अब मुंह दिखाई की रसम देनी पड़ेगी, तो आप देखना मैंने तो नहीं बोला। Okay. All the very best. Thank you so much.
नेक्स्ट मृदुला द्विवेदी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मृदुला। माय सेल्फ मृदुला फ्रॉम मिर्जापुर। सर इस बार मेरा एडेक्स क्लियर हुआ है 1152। मैंने आपसे और मैम से पढ़ी है, मैम से मैंने 6 यूनिट पढ़ी है और सर 2 मुर्गे और जेनेटिक्स। और इस मेरे मार्क्स 110.5 थे, लास्ट टाइम मेरे 90 मार्क्स आए थे फैब में। इस बार मैंने काफ़ी मेहनत की, 2 से 3 यूनिट और ज़्यादा टाइम दी, फिर इस बार मेरा एल एस वो फाइंडिंग और आप लोगों की वजह से ही मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो थैंक यू बहुत ऑफ यू। Congratulations, Mridula, and all the best for your future. All the best. Next, Nazia Hassan. Hello. Nazia. Hello. Thank you, ma'am and sir. Oh, मैं housewife हूँ, मेरी दो बेटी है और मैं ज्योति मैम की क्लासेस देखती थी, मुझे नींद नहीं आती थी रात में, तो यूट्यूब पे क्लासेस देख देख के मैंने पढ़ना शुरू किया और सर की क्लासेस, दोनों आदमी की क्लासेस देखते देखते पढ़ाई स्टार्ट की। और इस बार मेरा एज तो नहीं था लेकिन मेरा एलएस क्वालिफाई हुआ और जेआरएफ तक मार्क्स चले गए मेरे। और जैसे रेड क्वीन के साथ हुआ है सेम वही कंडीशन है, पूरा मोहल्ले में पेपर में फोटो आ रही है कि एक हाउस वाइफ ने निकाल लिया और क्या क्या मतलब एक एक दिन में हीरोइन बना के रख दिया है यहाँ। तो थैंक यू सर और मैम, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट 85 रैंक है, तो मतलब बिहार की बेटी, सारण की बेटी, सब सब चल रहा है अभी यहाँ, तो मेरी फैमिली, मेरी बेटी सब हिम्मत और जज्बे के लिए कि आपने जो है ऐसे टाइम में भी आपने प्रिपरेशन शुरू की और फाइनली जो चाहती थी आपको आपने कर लिया, जैसे आपने कहा एक दिन में ही क्या से क्या। बहुत अच्छा लगा और बाकी लोग इससे मतलब इंस्पायर भी हो रहे हैं कि हाँ जब एक हाउस वाइफ कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। Exactly. जी, और अपने डिपार्टमेंट से पहली लड़की है जिसका हुआ है तो डिपार्टमेंट भी बहुत खुश है। Congratulations, Nazia, and all the best. बहुत बहुत बधाई आपको और थैंक यू सर और मैम, दोनों आदमी की क्लासेस मतलब रेगुलर तो ऐसे नहीं देख पाते थे लाइव क्लासेस, लेकिन रिकॉर्डिंग से काम 12 रात के 12 से 3 का जरूर रहता था, ये शो था मेरा रात के 12 से 3 हम क्लासेस देखते थे। ओके ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट नेहा ठकरन। नेहा यादव। नेहा यादव। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया इस बार, रैंक 139 है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, मैंने आपको कंटिन्यू फॉलो किया है और आपकी गाइडेंस से और आपके नोट से ही मेरा क्वालिफाई हुआ है। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस नेहा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट नुशरत खान। हेलो सर। हेलो मैम। जी हेलो। आई हैव क्वालिफाइड चेयर ऑफ द ऑल इंडिया रैंक 203। आई एम फ्रॉम राजस्थान। मैम आपकी मैं आपकी वही स्टूडेंट हूँ जो बार बार क्लास में बोला करती थी पुट चेयर ऑफ ऑन माय प्लेट प्लीज सी अस, आज मैंने ले लिया है वो। ओके ओके याद आया। यस मैम, मैंने ले लिया है। एक बात और बोलना चाहती हूँ मैम। मैम ये जो अभी मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मोटो रहता था, आपकी एक लाइन बहुत मुझे मोटिवेट करती थी, रोटी जल क्यों और विद्या भूली क्यों बिना फेरे। मैं मेरी मम्मा को रोज यही लाइन बोलती थी, रोटी जल क्यों और विद्या भूली क्यों। मम्मा बोलती रोटी जले ना जले तू बनाना जरूर सीख लेना। अब मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मुझे नहीं बोलती कि रोटी बनाना सीखना है या नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। और मैंने आपसे बहुत पढ़ने का ट्राई किया, बहुत ज्यादा ट्राई किया सर। मैं जब भी लाइव क्लास में आती थी आप किसी ना किसी वजह से गुस्सा कर देते तो मैं लाइव क्लास छोड़ के चली जाती। सॉरी सर, सॉरी, बट मैं रिकॉर्डेड क्लास आपकी देखने की बहुत ट्राई की, बट मैंने
कंप्लीटली 1.5 साल तक आपकी कोई भी क्लास नहीं देखी, जैसे कि गुस्सा करेंगे सर गुस्सा करेंगे। देन अभी सितंबर से जस्ट पहले 6 महीने पहले मैंने आपसे बायोकेम किया, जेनेटिक्स किया, मॉल बायो किया, टेक्निक किया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपसे क्लियर किए और फाइनली सर क्वालिफाइड हो गया आपकी वजह से। थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट नुसरत फॉर योर फ्यूचर। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, हमारी फैमिली में आई एम द ओनली वन जिसने नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया। मेरे पापा तो सबको लड्डू बांटते हुए सबको मिठाई खिला रहे। चलिए बहुत-बहुत बधाइयां आपको, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके नेक्स्ट पायल ककरन। Hey guys, my name is Viren Singh. If you want to crack CSIR, you just connect with India's largest learning platform. So yes, we are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an academy platform. आप CSIR Life Science की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे मेरे साथ और भी इंडियाज के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर। सो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉग इन करिए और वहां से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे। तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ। सो दिस इज मी, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो उनमें से आई टीच CSIR लाइफ साइंस एंड मैं CSIR, DBT, GATE ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ। आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द CSIR। माई PhD इज रनिंग फ्रॉम IIT BHU। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द BTech एज वेल एज इन द MTech। I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. So aap mere sath Unacademy pe judh ke CSIR ka sapna pura kar sakte hain. Saath hi mein Unacademy Plus aur Iconic do tarike ke subscription Unacademy leke aaya hai. Plus mein aapko milte hain live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Ye sari cheeze Plus mein milti hain. In sab ke alawa Iconic mein कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है। एक बार अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है। आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है CSIR के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं Viren और Viren Live टू गेट द डिस्काउंट। सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माय प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of July से। जी हाँ, 4th of July से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो जुड़िए इस 4th of July से दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th of July से 5:30 और 8:30 PM पे, जो कि आप देख सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को। साथ ही में अनअकैडमी के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी के चलते रहते हैं, तो दीज आर द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं CSIR को। ठीक है, कुछ ऑफर्स जो अनअकैडमी लेके आया है, उस ऑफर्स में से अनअकैडमी का 20% ऑफर जो है ये चल रहा है, और इस पर्टिकुलरली ऑफर के ऊपर बात करें तो अनलॉक 20 में 30 जून तक वैलिड है। इस ऑफर का फायदा उठाइए और अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन का भी फायदा आप उठा सकते हैं, तो अनअकैडमी लाइट के सब्सक्रिप्शन का भी जो है वो फायदा उठा सकते हैं। यूज करना है आपको रेफरल कोड Viren Live टू गेट द डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट। बाय-बाय। वांट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या टेलीग्राम चैनल पे जो है अनअकैडमी / Viren Singh के साथ जुड़ सकते हैं।
या सिर्फ आप वीरेंद्र सिंह सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।